दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, इतने सारे ग्रुप्स में आपको आपकी ट्रिप कहाँ पर किसको अलॉट करनी है और वही ट्रिप कौन से बंदे को दे जो उसके लिए ही बैठा है। मतलब आपके पास कोई एक्स जगह से वाई जगह की ट्रिप है और वही कोई दूसरी जगह पे वही सिटी में एक्स जगह से वाई जगह जाना चाहता है, तो उसको मैचिंग कैसे करेंगे? एग्जाम्पल लेता हूँ, पुणे से मुंबई के लिए एक ट्रिप अवेलेबल है, आपके पास ट्रिप है और आप ढूंढ रहे हो कि कोई ड्राइवर ऐसा मिल जाए जो पुणे से मुंबई के लिए रेडी हो, तो वो आप ये ग्रुप में से कहाँ से ढूंढोगे? हाँ, आपके पास बिजनेस है, मीन्स के ट्रिप्स है, आप जैसे ही ट्रिप पोस्ट करोगे आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स आ जाएंगे, बट आप वो पता नहीं कर सकते हो कि इसमें से नीड किसकी ज्यादा है। ओके, किसको जाना ही है उसको प्रायोरिटी दो। सब हमारे ड्राइवर पार्टनर भाई है पूरे इंडिया में, क्यों नहीं दे सकते हैं? चलो वो तो हम किसी को भी अलॉट कर लेंगे बिकॉज ऑफ ये बिजनेस है, वो ट्रिप है, बट लेकिन यहाँ पर वैसा ही ड्राइवर है या कोई पार्टनर है जो अपनी कैब अवेलेबल करके बैठा है पुणे से मुंबई के लिए और वो घर जाना चाहता है, 4 बजे से वो अवेलेबल है कि भाई उसने मैसेज डाल दिया ग्रुप्स में इतने सारे कि मैं अवेलेबल हूँ पुणे से मुंबई के लिए, कोई ट्रिप हो तो बताना। इतने सारे ग्रुप्स में आपका वो मैसेज, वो एक छोटा सा मैसेज कहीं गायब हो गया है, किसी को मालूम नहीं है, तो जिसको वो ट्रिप अलॉट करनी है वो तो नए से ही ट्रिप डालेगा, वो तुरंत आपको कॉल नहीं करेगा कि हाँ मैं चलो फाइंड करता हूँ ये ग्रुप्स में कि कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा पार्टनर है हमारा जो जाना चाहता है, तो उसको डायरेक्टली ही कॉल करूँ। ओके, तो इन शॉर्ट जिसको जो चाहिए उसको वो नहीं मिलता है, मतलब जिसको जिस हिसाब से ट्रिप चाहिए या जिसको जिस हिसाब से कैपेबिलिटी के हिसाब से बिजनेस चाहिए उसके हिसाब से वो नहीं मिलता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, इसको हम सॉल्यूशंस ला सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, हम ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझे हैं। ओके, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ कॉल्स कितने सारे बढ़ जाते हैं अपने, आपके पास वही मैंने एग्जांपल लिया पुणे से मुंबई के लिए एक ट्रिप अवेलेबल है और आपने जैसे ही पोस्ट करते हो एक ग्रुप में या एक 5,000 वाले ग्रुप में या एक 257 वाले ग्रुप में, मैक्सिमम कैपेसिटी वाले ग्रुप में आप पोस्ट करते हो, तो आपको नंबर ऑफ कॉल्स रेडी हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, आपका एक कॉल चालू होगा विद इन 30 सेकेंड और विद इन 1 मिनट आपके पास 10 मिस कॉल अवेलेबल रहेंगे वेटिंग में, तो आपको हेजिटेट नहीं होता है क्या कि यार इतने सारे कॉल्स आ जाते हैं एक ही ट्रिप पे, किसको दूं किसको ना दूं, किसको पूरी रामायण अच्छे से समझाऊं कि कस्टमर को यहाँ से लेना है, यहाँ पर पिक करना है, मेरा इतना है आपका इतना है, इतने दिन की ट्रिप है, एवरेज आप कितने ट्रिप पोस्ट करते हो? आप जितनी भी ट्रिप पोस्ट करते हो उतने से 10 गुना ज्यादा, मतलब एक ट्रिप पे आपको एवरेज 10 कॉल तो आते ही होंगे। सपोज आप एजेंसी लेके बैठे हो, वेंडरशिप है आपके पास, ओके, और आपके पास अच्छी खासी ट्रिप्स आती है कस्टमर से, तो आप एक कॉल के हिसाब से 10 ट्रिप के हिसाब से 100 कॉल्स उठा रहे हो, हर रोज बात कर रहे हो, आपने तो पूरा कॉल सेंटर ही खोल दिया है खुद का, सही बात है ना? तो ये जो झमेला है कॉल सिस्टम एंड मैसेज सिस्टम का, उसका सॉल्यूशन हम लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम ये सॉल्यूशंस लाएंगे।